हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइट प्लान डे वन से। जैसा कि आजकल सब लोग डाइट करने में लगे हुए हैं, लॉकडाउन के बाद सबका वेट जो को डाउन हो गया है, तो आइए हम भी स्टार्ट करते हैं। और दिन की शुरुआत ग्रीन टी के साथ ही होगी डाइट प्लान में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो बॉयल वाटर करा है, जो वाटर हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम फेनुग्रीक ऐड करेंगे। ग्रीन टी के क्या क्या फायदे हैं ये आजकल सभी को पता है। इसको शुरुआत आइए हम बनाना करते हैं। और सबसे पहले जब हम बॉयल करेंगे वाटर, आप चाहे तो प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन फेनुग्रीक सीड्स के कितने फायदे होते हैं, ये शुगर रिड्यूस, वेट लॉस और डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नीडफुल है। और कई लोग इसे पानी में भिगो के सुबह खाली पेट वैसे भी पीते हैं, तो आइए हम क्यों ना इसे ग्रीन टी के साथ मिक्स करें। और ये जो दाने बॉयल हुए, इसे आप कच्चा भी चबा सकते हैं अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है। तो उसमें मैंने ऐड कर रही हूँ ऊपर से हनी 1 टेबल स्पून एंड लेमन जूस। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है, मुझे इस तरह से पीने में अच्छा लगता है, तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और आप कोई भी ब्रांड की ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, मुझे फिलहाल जो अवेलेबल थी और जो मैं पीती हूँ, जो मुझे पसंद है, वो मैंने यहाँ पे शेयर करा। तो ये गर्मा गर्म ग्रीन टी मॉर्निंग टाइम में जब आप सो के उठ रहे हैं, तो आप इसको जरूर लें और ये आपकी एक अच्छी हैबिट में चेंज हो जाएगा। और इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और इसके बाद ही हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे खाने के लिए, जो खाली पेट हमें खाना है, वो है थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिसमें आता है आलमंड एंड वॉलनट, जो कि बहुत हेल्पफुल है। हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर प्रोटीन है इसमें, जिससे आपका वेट लॉस करने में हेल्पफुल है। इसको खाली पेट ही लेना है आपको रोज सुबह। इससे आपका मेटाबॉलिज्म और इम्प्रूव होगा, हार्ट फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बॉयल्ड एग्स। आप 2 की जगह 3-4 या आपकी डाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और उतना ही आपको फिर वर्कआउट भी करना है। यहाँ पर आप आज डाइट प्लान का डे वन है, तो मैंने क्या लिया वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और भी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। सो आज फर्स्ट डे, इसको हम लेमन पेपर सॉल्ट के साथ खा सकते हैं। और इसके अंदर कितने कार्ब्स, विटामिन, कैलोरीज हैं, सब कुछ यहाँ पर मैंने शेयर किया है। तो अब टाइमिंग्स है सम जॉगिंग, रनिंग और एनी एक्सरसाइज यू कैन डू एट योर होम, या फिर जिम, या फिर वॉक आउटसाइड, जो भी आपको पसंद हो वो आप करें। तो लेकिन एक्सरसाइज इज मस्ट हमारे डाइट प्लान में। खाली डाइट से थोड़ा देर से होता है प्रोग्रेस। और यहाँ पर मैंने पानी की भी वीडियो शेयर करी है, क्योंकि आपको दिन भर वाटर का अमाउंट इनटेक बढ़ाना है। ये मेरे वर्कआउट सेशन के कुछ मैंने टाइम लिमिट्स और कैलोरीज बर्न ये सब शेयर किया है। उसके बाद आप फ्रेशन अप होकर, बाथ लेकर, आपको एक फ्रेश जूस ऑफ 1 ग्लास जरूर लेना है, ताकि जो आपने एनर्जी और फैट बर्न किया है, उसके बाद आपका जो वाटर लॉस भी हुआ है, पसीना है, उसके लिए आपको ढेर सारा पानी और जूसेस पे आपको रहना जरूरी है। तो फ्रेश जूस ऑप्शन इज बेस्ट इंस्टेड ऑफ पैक जूस। तो पैक जूस आप कैंसिल करें। और उसके बाद हम लग जाएंगे अपने लंच सेशन में। तो लंच के लिए यहाँ पर मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ चना दाल लौकी। आपको जैसा पता है, लौकी इज वेरी बेनिफिशियल हमारे डाइजेशन के लिए, पेट के लिए और वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पर मैं चना दाल लौकी बना रही हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें मैं ऐड कर दिया है जीरा, मस्टर्ड सीड्स, हींग और चॉप्ड अनियन। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। तो फ्रेंड्स, हम जब डाइट सेशन में, तो हमें याद रखना है कि हमारा जो डाइट सेशन है, उसपे हमें उसी टाइप के वेजिटेबल्स यूज करने हैं, लेस ऑयल और लेस मसाले वाला, ग्रेवी वाला कम हमें खाना है, ताकि आपका जो वेट लॉस है वो जल्दी प्रोसेस हो सके। और पानी का इंटेक आपको पूरे दिन में सबसे ज्यादा रखना है, खाने से ज्यादा। तो ये यहाँ पर मेरा सब्जी दाल में मिक्स जो बन रही है, उसे मैं 2 चपाती के साथ लेने वाली हूँ, और एक फुल बोल ऑफ स्प्राउट्स मैं लूंगी। स्प्राउट्स वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। ये चना दाल मैंने
भिगो के रखा था 2 घंटे पहले से और ये थोड़ा फूल गया और इसको मैं ऐड कर लूंगी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि आप स्प्राउट्स का सेवन ज्यादा लेंगे एक कटोरी भरकर, क्योंकि इससे कोई भी लॉस नहीं है आपके बॉडी को, बल्कि इट्स वेरी हेल्पफुल। और आप अपने मील में ग्रीन सैलड को ज्यादा प्रेफर करें। यहां पर ये मैंने थोड़ा भूंज लिया, उसके बाद पानी डाल के हम प्रेशर को कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही फ्राई कर दिया, आपको बाद में फ्राई करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हमें ऑयली खाना नहीं खाना है, इस वजह से मैंने इसको पहले ही तड़का देकर फिर से बॉइल कर दिया है। हमें अपने खाने में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तेल मिर्च मसाले को थोड़ा दूर रखना है। ये मेरे स्प्राउट्स रेडी हैं, उसको मैंने सैलेड प्रिपेयर कर लिया था और ये मेरा रेडी है 2 चपाती के साथ। इसकी कैलोरीज भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने पूरे दिन का कैलोरी चार्ट बना सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि अपनी एज, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें लेनी है। उसके बाद आ जाता है इवनिंग मील में कुछ फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट और एक लेमन ड्रिंक वाटर फ्रेशली। अब यहाँ पे नाइट डिनर के बारे में बात करूंगी, जो मैंने बनाया चिकन सैलेड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो इसके लिए भी मैं ऑप्शन आपको बाद में शेयर करूंगी। तो यह है चिकन सैलेड जिसमें मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले बोनलेस चिकन को ले लिया है, उसमें कर्ड ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे हल्के से, और ऑरिगेनो ऐड किया है। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन को बनाएंगे, इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है, मिक्स कर देंगे और ये सैलेड ही आपका डिनर रहेगा, जिसको आपको 7 to 7:30 तक आपको ले लेना है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और यहाँ पर मैंने ग्रिलर यूज किया है। आप चाहे तो इसको पैन में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई नहीं करना है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वेट लॉस सेशन में हैं। तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट का ऑयल जो हमने मिक्स किया था वही डाला है और वही उठाकर हमने इसको इस ग्रिलर पर डाल दिया है। और ये जैसे ही पक जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर हम इसे ठंडा करके अपने सैलेड में मिक्स कर सकते हैं। इसकी जगह मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पनीर के चंक्स ले सकते हैं और उसे भी इस तरह से बैटर बना के मैरिनेट करके और इसी तरह से ग्रिल कर सकते हैं, या आप सोया चंक ले सकते हैं, बॉइल्ड पीनट ले सकते हैं। ये सारे सैलेड के मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ वेजिटेरियंस के लिए। नाउ अब हम प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा कर्ड लिया है सैलेड के लिए। सैलेड के लिए मेयोनीज बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून और कर्ड थोड़ा ज्यादा लिया है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद आपके जो भी आप सैलेड में चीजें लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है, कुकुम्बर लिया है, कॉर्न है, टोमेटोज हैं, कैप्सिकम्स हैं, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो उसे आप लें और इस तरीके से मिक्स कर लें, सब कुछ सैलेड के लिए रेडी कर लें। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी डाइट है आपकी इवनिंग को बूस्टअप करने के लिए, और आपको रात तक इसे खाने के बाद भूख नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ और भी इसके अलावा खाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वेट लॉस के लिए थोड़ा तो इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको भूख लगती भी है तो आप वार्म मिल्क के साथ अपनी नाइट तक एंड अप कर सकते हैं। वार्म मिल्क विद टर्मरिक, और आपको लेना है फैट फ्री मिल्क नाइट में। ये सारे सैलेड मैंने मिक्स कर दी हैं और उसमें आपने देखा होगा मैंने अब लेमन जूस ऐड कर रही हूं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऊपर से सॉल्ट, पेपर, जो भी आपके टेस्ट में हो वो आप इसको ऐड करिए और मिक्स करिए और देन इट्स डन। सो आपका डिनर रेडी है। सो गाइस, ये 1 डे का मील था।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई थिंक आई होप यू लाइक दैट. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें आपको वन डे का डाइट प्लान कैसा लगा.